अगर मैं आपको कहूं कि हमारे फेवरेट ब्रीड डॉग्स जो हम बाजार से खरीदते हैं वो असल में ऐसे नहीं दिखते थे जैसा आज दिखते हैं, बल्कि हमने इंसान ने उन्हें ऐसा बनाया है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। पग को पग बनाने और जर्मन शेफर्ड को जर्मन शेफर्ड बनाने के पीछे ब्रीडर्स ने सालों तक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है। ब्रीडर्स अलग अलग नस्लों के डॉग्स को मेट कराते हैं ताकि एक नई डॉग ब्रीड तैयार की जा सके। इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने ब्रीडर्स को पैसा कमाने के रूप में ब्रीड डॉग्स तो दिए, पर ब्रीड डॉग्स को मिला जीवन भर का कष्ट और दर्द। चलिए कुछ पॉपुलर डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं। जर्मन शेफर्ड। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से पहले जर्मन शेफर्ड की पीठ सीधी हुआ करती थी और चारों टांगे बराबर, पर आज के जर्मन शेफर्ड की पीठ पीछे की तरफ झुकी होती है जिससे पीछे की टांगे मुड़ जाती हैं। इस डिस्प्रोपोर्शनेट और अननेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इस ब्रीड को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है, और उनमें से सबसे कॉमन बीमारी है डीजेनरेटिव माइलोपैथी, जिसे CDRM भी कहते हैं। ये बीमारी डॉग्स की स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है, जिससे पहले तो डॉग्स के पैरों में कमजोरी आ जाती है और फिर खड़े होने और चलने में दिक्कत होती है। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे डॉग्स अपने पैरों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हें अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। इस बीमारी के परिणाम इतने गंभीर हैं कि डॉग 6 से 18 महीनों में ही पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। जब भी ब्रीड डॉग्स की बात होती है तो पग्स की बात जरूर होती है। वो लोग जिन्हें बेबी लाइक फेस पसंद है उनके लिए पग डॉग की नस्ल बनाई गई थी, जिनके चेहरे की विशेषताएं उन्हें क्यूट बनाती हैं। क्यूट, छोटे साइज और मुड़ी पूंछ की वजह से ये डॉग सेलिब्रिटीज से लेकर फोन बेचने वाली कंपनीज द्वारा एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। चपटा मुंह और नाक जो इन्हें एक अनोखी पहचान देती है वो असल में एक जेनेटिक डिफेक्ट है और इनकी पीड़ा का कारण भी। आपने अगर कभी पग के आसपास समय बिताया हो तो आपने उन्हें ऊंचा ऊंचा सांस लेते जरूर सुना होगा। वो इस तरह से सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि नाक चपटी होने के कारण इन्हें ठीक से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये वास्तव में एक बीमारी है जिसे ब्रैकिसोफेलिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सिंड्रोम कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण जब डॉग्स को जोर से सांस लेना पड़ता है तब उनके एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना अब और मुश्किल हो जाता है और शरीर गर्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेस में चला जाता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। अगली ब्रीड पोमेरेनियन, जो कि एक छोटे साइज की ब्रीड है जिसे टॉय ब्रीड भी कहा जाता है। उनके छोटे कान, लंबे बाल और फ्लफी कोट की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। इन्हीं विशेषताओं की वजह से ये ब्रीड क्वीन विक्टोरिया की भी फेवरेट ब्रीड थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्रीड जो कभी 13 किलो की हुआ करती थी वो अब मात्र 1-3 किलो की कर दी गई है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से इनका साइज तो छोटा कर दिया गया है, पर इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बड़ी होती गई हैं, जिनमें से एक है पटेला लुएक्सेशन, जिसे स्लिपिंग नी कैप्स भी कहा जाता है। ये हड्डियों की बीमारी है जिसमें घुटने का जोड़ अनस्टेबल हो जाता है और अपनी जगह से खिसक जाता है। गंभीर स्थितियों में सिर्फ सर्जरी ही एक उपाय बचता है, जिसके बाद डॉग्स को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं। लैब्राडोर। ये मीडियम टू लार्ज साइज ब्रीड डॉग्स प्यारे चेहरे, मोटी पूंछ, शाइनी कोट और रंग की वजह से पसंद किए जाते हैं। बड़े बॉडी फ्रेम होने के कारण उनकी बॉडी का स्ट्रेन उनकी मसल्स और जॉइंट्स पर पड़ता है, जिससे उन्हें एल्बो डिस्प्लेसिया जैसी बीमारी होना बहुत आम है। अगर इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं होता तो इन डॉग्स को आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो जाती है, और गंभीर आर्थराइटिस से इन डॉग्स का हिलना डुलना और फिजिकल एक्टिविटी भी मुश्किल हो जाती है, और एक्सरसाइज ना कर पाने के कारण ये ब्रीड डॉग मोटापे का शिकार बन जाते हैं। और जैसा कि इंसानों में होता है, मोटापा आगे चलकर कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस। इन बीमारियों के कारण इन ब्रीड डॉग का जीवन दर्द से भरा होता है। अब ब्रीड चाहे लैब्राडोर की हो या पग की या फिर कोई और, हर वो डॉग जो ब्रीडर्स पैसों के लिए बेच रहा है उनका हाल ऐसा या फिर इससे भी बदतर है। ब्रीड डॉग्स कोई स्टेटस सिंबल या फिर कोई खिलौना नहीं है, बल्कि वो एक जीतते जागते जीव है जो हमारी ना समझी की सजा काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें घर या परिवार की जरूरत नहीं है,
पर इस बात को समझना जरूरी है कि ब्रीड डॉग्स को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती हमारे लिए ब्रीडर्स ब्रीड कर रहे हैं। जितना हम ब्रीड डॉग्स को खरीदते रहेंगे उतना ही ब्रीडर्स को बढ़ावा मिलता रहेगा और वो डॉग्स को ब्रीड करते रहेंगे और उतनी ही तादाद पर ब्रीड डॉग्स और उनसे जुड़ी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। इस क्रूरता को यहीं रोकने के लिए ब्रीडर से डॉग्स ना लेकर आप सड़क पर रहने वाले को घर दे सकते हैं, जो सड़क पर खाना पीना ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा सकता है। अब फैसला आपका है, आप ब्रीडर से एक ब्रीड डॉग खरीदकर उनका जीवन नर्क बना सकते हैं या एक बेजुबान को घर देकर उन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं। याद रहे, दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं।